बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डे स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। कंज्यूमर्स एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर मोस्टली ज़ूप्लैंकटन एंड बेंथोस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर प्रेइंग इंसेक्ट्स and game fish. Tertiary consumers are also present. Detritivore is another type of consumer that lives in deep water and feeds on bits of organic detritus falling from the upper autotrophic layer as rain. Pond ecosystem ke consumers mein zyadatar zooplanktons और benthos primary consumers हैं। Preying insects और game fish secondary consumers हैं। Tertiary consumers भी पाए जाते हैं। Detritivore consumer की एक और किस्म है जो कि deep water में रहता है और upper autotrophic layer से बारिश की सूरत में गिरने वाले ऑर्गेनिक डेट्राइटस से खुराक हासिल करता है। कंज्यूमर्स इन लिटोरल जोन। मैनी स्पीशीज ऑफ कंज्यूमर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोड्यूसर्स इन द लिटोरल जोन। सम स्पीशीज शो जूनेशन। सच स्पीशीज आर पेरीफाइटोन। फॉर एग्जाम्पल, हैड्रा मे बी प्रेजेंट इन द फ्लोटिंग प्लांट रीजन ऑफ लिटोरल जोन attached to the lower surface of leaves of pond lily. The prey of hydra in turn feed on protozoan, bacteria and small algae. Littoral zone mein producers ke sath bahut se consumers ki species bhi paayi jati hain. Kuch species zonation show karti hain. Aisi species पेरीफाइटोन हैं। मिसाल के तौर पर, लिटोरल जोन के फ्लोटिंग प्लांट रीजन में हाइड्रा पॉन्ड लिली के लीव्स की लोअर सरफेस के साथ अटैच्ड पाया जाता है। हाइड्रा के प्रेज प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और स्मॉल एल्जी से खुराक हासिल करते हैं। द एनिमल्स फाउंड इन इमरजेंट प्लांट जोन आर insect larvae such as dragonflies, damselflies and adult and larval beetles and bugs. Larger forms such as frogs, turtles and water snakes may be inhabit the same region. Vertical zonation is more striking in animals of littoral zone. Pond snails, damselfly nymphs, dragonfly nymphs, rutifers and flatworms are the periphyton of large plants. Emergent plant zone में पाए जाने वाले animals insect larvae हैं, जैसे कि dragonflies, damselflies, beetle के larvae और adult और bugs. बड़ी सूरत में frogs, turtles और वाटर स्नेक्स भी इस रीजन में रहते हैं। लिटोरल जोन के एनिमल्स में वर्टिकल जोनेशन बहुत ज़्यादा नुमाया है। पॉन्ड स्नेल्स, डैमसल फ्लाई नेम्स, ड्रैगन फ्लाई नेम्स, रूटीफर्स और फ्लैटवर्म्स लार्जर प्लांट्स के पेरीफाइटोन हैं। पॉन्ड स्नेल्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स but may be detritivores also. Dragonfly and damselfly larvae are secondary consumers. Sprawling odonata nymphs, crayfish and mayfly nymphs are found resting or moving on the bottom. Still deep down are odonata, clams, annelid worms, snails and midges.
which live in burrows and bottom mud. Pond snails primary consumers हैं, लेकिन detritivorous भी हो सकते हैं. Dragonfly और damselfly secondary consumers हैं. Sprawling odonata nymphs, crayfish और mayfly nymph पालक स्कून या बॉटम में हरकत में पाए जाते हैं. इससे मज़ीद डीप ओडोनेटा क्लैम्स एनलीड वॉर्म्स स्नेल्स और मिचेस पाए जाते हैं जो कि बॉटम मड की बरोज में रहते हैं. मोस्ट अबंडेंट एंड डाइवर्स स्पीशीज ऑफ लिटोरल जोन आर नेक्टोन डाइविंग बीटल्स एम्फीबियंस वाटर स्नेक्स एंड फिश आर द एग्जाम्पल्स. इम्पॉर्टेंट जू प्लैंकटन ऑफ लिटोरल जोन आर डेफनिया साइक्लोप्स एंड रूटिफर्स. द लिटोरल जोन न्यूस्टोन इंक्लूड्स इंसेक्ट लाइक लार्ज वाटर स्पाइडर्स एंड स्मॉल ब्रॉड शोल्डर्ड वाटर स्पाइडर्स. लिटोरल जोन में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली और डाइवर्स स्पीशीज नेक्टोन हैं. डाइविंग बीटल्स एम्फीबियंस वाटर स्नेक्स और फिश इसकी एग्जाम्पल्स हैं. डेफनिया साइक्लोप्स और रूटिफर्स लिटोरल जोन के अहम जू प्लैंकटन हैं. लिटोरल जोन में पाए जाने वाले न्यूस्टोन में इंसेक्ट लाइक लार्ज वाटर स्ट्राइडर्स और स्मॉल ब्रॉड शोल्डर्ड वाटर स्ट्राइडर्स शामिल हैं. कंज्यूमर्स इन लिम्नेटिक जोन. जू प्लैंकटन्स ऑफ दिस जोन कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स लाइक कोपोर्स वाटर फ्लीज एंड रूटिफर्स विच आर डिफरेंट स्पीशीज फ्राम दोज ऑफ लिटोरल जोन. क्रस्टेशियंस ऑफ लिम्नेटिक जोन आर स्टेनर्स. प्रेइंग प्लैंकटन एनिमल्स आर ऑल्सो कॉमन. लिम्नेटिक नेक्टोन आर एंटायरली फिश. दे बिलोंग टू द सेम स्पीशी एज ऑफ लिटोरल जोन. अ फ्यू स्पीशीज आर प्लैंकटन फीडर्स वाइल मेजॉरिटी ऑफ देम ईट क्वाइट लार्ज एनिमल्स. लिम्नेटिक जोन में पाए जाने वाले जू प्लैंकटन में कोपोर्स वाटर फ्लीज और रूटीफर्स शामिल हैं और ये लिटोरल जोन में पाए जाने वाली स्पीशीज से मुख्तलिफ होती हैं. लिम्नेटिक जोन के क्रस्टेशियंस स्टेनर्स हैं. प्रेइंग प्लैंकटन एनिमल्स भी कॉमन हैं. लिम्नेटिक जोन में पाए जाने वाले नेक्टोन सारे फिश हैं. इनकी स्पीशीज वही होती है जो कि लिटोरल जोन में पाई जाती है. कुछ स्पीशीज प्लैंकटन फीडर्स जबकि ज़्यादातर लार्ज एनिमल्स को खाते हैं. कंज्यूमर्स इन प्रोफंडल जोन. थ्री काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स आर फाउंड इन द प्रोफंडल जोन. फर्स्ट ब्लड वॉर्म्स, सेकेंड स्मॉल क्लेम्स, थर्ड फैंटोम लार्वी. फर्स्ट टू ग्रुप्स आर बेंथोस वाइल थर्ड इज प्लैंकटोनिक. प्रोफंडल जोन में तीन तरह के कंज्यूमर्स पाए जाते हैं. नंबर वन ब्लड वॉर्म्स, नंबर टू स्मॉल क्लेम्स, नंबर थ्री फैंटोम लार्वी. इनमें ब्लड वॉर्म्स और स्मॉल क्लेम्स बेंथोस हैं जबकि फैंटोम लार्वी प्लैंकटोनिक है. डीकम्पोजर्स एंड पॉन्ड इकोसिस्टम. दे आर बैक्टीरिया एंड एक्वेटिक फंजाई ऑफ द लिटोरल एंड प्रोफंडल जोन्स. लिम्नेटिक जोन इज विदाउट डीकम्पोजर्स. दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन फेवरेबल टेम्परेचर देयर एक्टिविटी इज रैपिड. दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन टू minerals which are utilized by producers as well as consumers. Pond ecosystem में
लिटोरल और प्रोफंडल जोन्स में बैक्टीरिया और इक्वेटिक फंजाई डीकम्पोजर्स हैं। लिम्नेटिक जोन डीकम्पोजर्स के बगैर होता है। डीकम्पोजर्स प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गेनिक मैटर्स को, जो कि डेड रिमेन्स की सूरत में होता है, ब्रेक डाउन करते हैं। फेवरेबल टेम्परेचर में इनकी एक्टिविटी रैपिड होती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं। इन मिनरल्स को प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स यूटिलाइज करते हैं। एबायोटिक सब्सटेंसेस, दे आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड साल्ट्स ऑफ कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज अमाइनो एसिड्स एंड ह्यूमिक एसिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन पॉन्ड इकोसिस्टम। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म इन द बॉटम सेडिमेंट्स। Some are dissolved in water also. Abiotic substances inorganic substances हैं, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साल्ट्स। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि अमाइनो एसिड्स और ह्यूमिक एसिड्स भी पॉन्ड इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। बहुत से न्यूट्रिएंट्स सॉलिड फॉर्म में बॉटम सेडिमेंट्स में मौजूद होते हैं, कुछ पानी में डिजॉल्व होते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पॉन्ड मे बी मेजर्ड बाय मेजरिंग द स्टैंडिंग क्रॉप्स, बट स्टैंडिंग क्रॉप इज नॉट अ वेरी सेटिस्फैक्टरी मेजर बिकॉज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड सिंगल सेल्ड प्लांट्स, सो द स्टैंडिंग क्रॉप्स आर स्मॉल as compared to the total amount of energy fixed by plants in one year. The standing crops are subject to grazing by zooplankton, dispersion by water movement and other losses. Pond ki primary productivity ko standing crops ki measurement se measure kiya ja sakta hai. Standing crop bahut zyada satisfactory measure nahi hoti, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स शॉर्ट लिव और सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं। इसलिए स्टैंडिंग क्रॉप्स टोटल एनर्जी, जो कि प्लांट्स एक साल में फिक्स करते हैं, की निस्बत बहुत कम होती है। और स्टैंडिंग क्रॉप्स का जू प्लैंकटॉन की वजह से ग्रेजिंग, वाटर मूवमेंट की वजह से डिस्पर्शन और दूसरे लॉसेस पर इन्हसार होता है। दस फूड सेंसेस में भी हाई, बट स्टैंडिंग क्रॉप में नॉट इंडिकेट हाई प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पॉन्ड में बी बेस्ट इंडिकेटेड बाय यूजिंग ऑक्सीजन इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड इन फूड सेंसेस एंड फॉस्फेट स्टोर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स एज बेसिस फॉर प्रोडक्टिविटी डिटर्मिनेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग productivity of a pond are light and nutrients. Light intensity and quality varies with the water depth, daytime and season of the year. इसलिए photosynthetic rate ज़्यादा हो, लेकिन standing crop high productivity ज़ाहिर नहीं कर सकती। पॉन्ड की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बेस्ट इंडिकेशन मंदरजा ज़ैल पैरामीटर से हो सकती है। नंबर वन, बनने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल। नंबर टू, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन। नंबर थ्री, प्रोडक्टिविटी को डिटरमिनेट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के पास बेसिस की सूरत में ज़खीरा शुदा फॉस्फेट। पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को लाइट और न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी और क्वालिटी वाटर डेप्थ के साथ, डे टाइम के साथ और साल के सीजन के साथ वेरी करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आल्सो वेरीज डायरेक्टली विद लाइट।
Nutrients also vary with season. Nitrogen and phosphorus are usually limiting the productivity in pond, but different nutrients may be limiting at different times of year. For example, magnesium may be limiting in spring, nitrogen in summer, and phosphorus in autumn. Productivity also varies from place to place in the big ponds. Primary productivity light के साथ directly vary करती है. Nutrients भी season के साथ vary करते हैं. Nitrogen और phosphorus ऐसे nutrients हैं जो कि pond productivity को limit करते हैं. लेकिन मुख्तलिफ nutrients साल के मुख्तलिफ औकात में limiting हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम स्प्रिंग में, नाइट्रोजन समर में और फास्फोरस आटम में लिमिटिंग हो सकता है. बिग पॉन्ड्स में एक जगह से दूसरी जगह भी प्रोडक्टिविटी वेरी करती है. डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है. अल्लाह हाफिज़.